नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा कनौजी है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। मैं कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ और आज हम आपको ये वेस्ट डिकम्पोजर जो है उसमें हमने अभी कुछ वीडियोस में आपको बताया कि कई इस तरीके के माइक्रोब्स इसमें मिल रहे हैं, तो आज हम इसमें ये देखने जा रहे हैं क्या इसमें स्यूडोमोनास माइक्रोब्स इसमें है या नहीं। इसके लिए हमने मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूँगी कि स्यूडोमोनास जो माइक्रोब्स है वो यूज़ होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाई कंट्रोल एजेंट की तरह या फिर PGPR की तरह यूज़ करते हैं। बाई कंट्रोल एजेंट जैसे कि जो रोगाणु जो बीमारियाँ आपके पौधों में लगती हैं उस पौधों में की बीमारियों को बचाने के लिए ये माइक्रोब्स यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बाई कंट्रोल एजेंट भी बोलते हैं। और उसका एक प्रयोग आजकल हम PGPR की तरह इस्तेमाल करते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग बैक्टीरिया, कि ये प्लांट की पौधे की ग्रोथ में उसके ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी काम आता है। तो आज फिर हम देखने जाएंगे कि क्या वेस्ट डिकम्पोजर में स्यूडोमोनास है या नहीं। तो ये वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन है जो कि 7 से 8 दिन पुराना सोल्यूशन है और आज हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें स्यूडोमोनास है कि नहीं। और इसके लिए हम लोग वही सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे, सेम तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमने अपने पिछले वीडियोस में देखी है हमारी कि सीरियल डाइल्यूशन वाली। तो ठीक है, हम इसको चलते हैं देखते हैं कि इसमें स्यूडोमोनास है या नहीं। ये किंग्सबी मीडिया की प्लेट्स बनाई गई हैं। किंग्सबी मीडिया पे हम लोग स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो हमारा माइक्रोब्स है उसको आइसोलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमने ये मीडिया तैयार किया है और दूसरा हमने यहाँ पे ये डाइल्यूशन है तैयार करने के लिए, सीरियल डाइल्यूशन के लिए स्टराइल वाटर है। अब हम इस पे -1 से -8 तक सीरियल डाइल्यूशन पहले तैयार करते हैं। ये वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन है 7 से 8 दिन पुराना। इसमें से हम लोग पहले वन एम एल सोल्यूशन हम लोग लेते हैं। उसके बाद ये -1 मार्क किया हुआ है, -1 की 9 ml की सीरियल डाइल्यूशन की स्टराइल वाटर है इसमें टेस्ट ट्यूब में। ये जो 1 ml लिया है इस 1 ml को हम इस में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये हमारा पहला डाइल्यूशन तैयार हो गया है -1 का। इसी तरीके से हम अपने सारे डाइल्यूशन तैयार कर लेंगे -8 तक। डाइल्यूशन हमारी सारी बन के तैयार हो गई है -1 से -8 तक। अब हम इन डाइल्यूशन से ये जो किंग्स बी की प्लेट्स हमने तैयार की हुई हैं इस प्लेट्स पे हम लोग स्प्रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये जो -1 है इस डाइल्यूशन से हम लोग ये सैंपल लेकर ये -1 की जो प्लेट है इस प्लेट पे डालने के बाद ये ग्लास स्प्रेडर है, इसको स्प्रेडर बोलते हैं, इस स्प्रेडर को हम लोग हीट पे स्टरलाइज करके थोड़ा सा ठंडा करते हैं ताकि ये माइक्रोब्स को किल ना करे, मारे ना। ठंडा होने के बाद ये आपका पहला प्लेट तैयार हो गया है, -1 का प्लेट तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम बाकी प्लेट भी तैयार करेंगे।
ये प्लेट्स हमारे स्प्रेडिंग करने के बाद तैयार है। अब इस प्लेट्स को हम लोग, ये इंक्यूबेटर मशीन है, ये BOD इंक्यूबेटर मशीन है, इस मशीन में हम लोग अपनी इन प्लेट्स को 24 घंटे के लिए रखते हैं। और इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 रहता है। तो इस प्लेट्स को इस मशीन में रखते हैं। अब हम इसको 24 घंटे के बाद चेक करेंगे कि क्या इसके अंदर सुडोमोनास की ग्रोथ आई है या नहीं। आज 3 दिन के बाद जो हम लोगों ने सुडोमोनास फ्लोरोसेंस की प्लेट्स लगाई थी वेस्ट डिकम्पोजर में सुडोमोनास की ग्रोथ देखने के लिए, तो वो हम आप देखें कि इस तीन दिन हो चुके हैं। 3 दिन के बाद ये प्लेट्स में इस तरीके के सुडोमोनास की ग्रोथ आई है। ये आपका पहला प्लेट आप देखिए, ये प्योर वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर है। इसमें डायरेक्ट हमें बिना किसी डाइल्यूशन के, ये प्योर प्लेट है वेस्ट डिकम्पोजर की। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस मटमैली रंग की, सफ़ेद मटमैली रंग की ये जो ग्रोथ देख रहे हैं, ये सुडोमोनास बैक्टीरिया की ग्रोथ है। ये इस बैक्टीरिया फैल के आपका एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। किसी तरीके से आप देखिए, हम लोगों ने सीरियल डाइल्यूशन जो किया था, ये -1 की प्लेट है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है बढ़ने के बाद, ये मोटाइल होने के बाद, ये आपस में मर्ज होती जा रही है। उसी तरीके से आपके -2 की प्लेट्स हैं, ये -3 की, ये आपकी -4 की। अब -4 में भी आप देख सकते हैं ये पास से कि कुछ छोटी छोटी तरीके की आपके बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। छोटी छोटी ये जो सर्कुलर, ये जो गोल आपके बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके सुडोमोनास की ग्रोथ हैं। ये अभी छोटी हैं, बाद में जब ये बड़ी होती है आपस में मिक्स हो जाती है, मर्ज हो जाते हैं आपस में। ये आपकी इसी तरीके से -6, -7 और ये -8 तक के डाइल्यूशन की प्लेट्स है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन में सुडोमोनास फ्लोरोसेंस नाम का जो बैक्टीरिया है उसका भी है, पाया गया है। वो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस भी हमारे इस प्लेट में दिखे हैं। तो इस बस करते हैं भाई। नमस्कार, जैसा कि आज आपने देखा कि सुडोमोनास फ्लोरोसेंस भी हमारे वेस्ट डिकम्पोजर सॉल्यूशन में पाया गया। अब ये एक नया आपको चीज़ हम लोग दिखाना चाह रहे थे कि बायोफर्टिलाइजर के अलावा भी बायो कंट्रोल्स इसमें मौजूद है। अब सुडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है हमारा बहुत ही एक पावरफुल, महत्वपूर्ण बैक्टीरिया माना जाता है, जिसका कि काम मल्टीपल होता है। मल्टीपल काम मतलब है आपका, ये एक तो बीमारियों को कंट्रोल करता है, जैसे आपको ब्लाइट डिसीज होती है, प्लांट सूख जाता है, उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो रूट नॉट डिसीज होती है, जो आपके रूट जो हमारे जड़ें जो होती हैं सड़ जाती हैं, उन सड़ान को भी ये रोकता है। अगर आप एक तो इसका यूज ये हो गया, तो जब आप वेस्ट डिकम्पोजर को आप पानी के साथ डाल रहे हैं तो सुडोमोनास फ्लोरोसेंस उसके अंदर जा रहा है, वो जाके आपके जितनी भी रूट्स वाली बीमारी आपके पैदा होने वाली होती है उसको पहले से रोकथाम कर देता है। जैसा कि आपने देखा कि सुडोमोनास फ्लोरोसेंस ये प्लेट आपने देखी। अब इसमें एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा हल्का सा पास में, ये कलर, ये आपका येलो कलर दिखाई दे रहा है, हल्का सा ग्रीनिश एक्चुअली होता है, ग्रीनिश येलो कलर है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस कलर। यही फ्लोरोसेंस कलर जो है जो काम आता है, जिससे कि हमारा डिसीज कंट्रोल होता है। और इसमें आपने देखा कि जो बैक्टीरिया है, ये जो फ्लोरोसेंस है, जिसके बाद कई बार लोग किसान भाइयों ने पूछा भी है, कई वर्कर्स ने बोला कि किस मात्रा में, तो ये फिर देख प्रूफ हो गया कि ये करोड़ों में, अगर आप 1 ml हमारा वेस्ट डिकम्पोजर ले रहे हैं तो उसमें करोड़ों में हमारे मात्रा में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जब आप करोड़ों में बैक्टीरिया पाया जाता है और आप एक सॉइल के साथ, आप पानी के साथ जब इसको 1000 लीटर पर एकड़ डाल रहे हैं, तो ये खरबों में आपके सॉइल में पहुंच जाता है। तो ये जमीन के अंदर
आपका मैंने बताया जैसे जितनी भी रूट नॉट डिसीज है उसको कंट्रोल करता है। इसका दूसरा काम है कि ये ग्रोथ प्रमोटर के काम आता है। ग्रोथ इसके अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो निकलते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और फ्लोरोसेंस का एक और काम है कि अगर हम इसको स्प्रे करें, एक यही बैक्टीरिया है, जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो उससे जो है हमारा प्लांट का ग्रोथ, लीव्स चौड़ी हो जाती हैं, यानी जो लीव है हमारी उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़नी शुरू हो जाती है, ग्रीनरी आनी शुरू हो जाती है, क्लोरोफाइल बढ़ जाता है। तो ये सब इसका मल्टीपल यूज है। तो जब हम वेस्ट डिकम्पोजर को आप स्प्रे कर रहे हैं, हमने जैसा पहले बताया कि आप किसी फसल में 50% स्प्रे करिए, तो आपका पहले हमने दिखाया आपको कि एजोबैक्टर है, जिस्पलियम है, पीएसएम है, आपका पोटास है, ये सारे बैक्टीरिया गए, उसके साथ में फ्लोरोसेंस भी है। तो जब फ्लोरोसेंस किया तो इसने ग्रोथ भी दिया प्लस प्लांट के बीमारियों को भी कंट्रोल कर दिया। अब तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप बायोफर्टिलाइजर भाषना यूज कीजिए। अब आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि बायोपेस्टिसाइड्स पहले हमने मना किया, तो एक कंपोनेंट हमने आपको दिखा दिया सुडोमोनस फ्लोरोसेंस इसके अंदर प्रेजेंट है। और सुडोमोनस फ्लोरोसेंस ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि बहुत पावरफुल है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है, हर चाहे टेम्परेचर हाई हो, चाहे टेम्परेचर लो हो, चाहे आपका कोई भी एडवर्स कंडीशन हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जो हमारी मात्रा है, जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पर ml हमने जो दिया है 1 करोड़ से ऊपर है। और अगर आप मार्केट से भी लेके आते हैं तो एक अगर लीटर आप लेके आएंगे सुडोमोनस फ्लोरोसेंस की बोतल, या आप सॉलिड फॉर्म में 1 किलो लेंगे, उसकी कीमत आपकी 100 रुपये से लेके 200-300 रुपये 500 रुपये तक होती है। 500 रुपये में आप मान लीजिए एक लीटर यूज़ कर रहे हैं, और अगर क्वालिटी अच्छी है तब तो आपको रिजल्ट मिलता है, वरना रिजल्ट नहीं मिलता है। और यहाँ क्या है कि आपने जो 200 लीटर बनाया, 200 लीटर के अंदर ही पूरा आपका जितनी बॉटल है 200 लीटर आपका पूरा का पूरा सबसे बेस्ट क्वालिटी का वेस्ट आपका वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर सोल्यूशन के अंदर फ्लोरोसेंस है। इससे बढ़िया आप कोई भी प्रोडक्ट टेस्ट कर लीजिए, उसके अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, इसकी काउंट उसमें मिल सकता है, बैटरी इतने मिल सकते हैं, लेकिन जब पुराना हो जाएगा तो उसमें इतना बैटरिया नहीं मिलेगा। लेकिन यहां उल्टा है, यहां पर आपको ये बैक्टीरिया अधिक बढ़ता जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, ये डिपेंड करता है आपके गुड़ के ऊपर, डिपेंड करता है आपके पानी के ऊपर जो आप यूज़ कर रहे हैं, इसकी मात्रा बढ़ेगी। तो आप इसको यूज़ करिए और देखिए कि आपका इसका जो परिणाम आ रहा है, आपका परिणाम तो ऑलरेडी वेस्ट डिकम्पोजर का बहुत अच्छा आ रहा है। तो रीज़न क्या है कि रीज़न ये सारे बैक्टीरिया हैं जो कि फ़ायदेमंद बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है और वो रिजल्ट आपको दे रहे हैं। अब मैं थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा क्लोजअप इसको कि फ्लोरोसेंस कैसे कलर दिखता है। ये पास से देखिए आप इसका कलर, ये आपको जो हल्का सा कलर दिखाई दे रहा है इधर से नहीं दिखेगा, ये आपको कलर दिख रहा है, ये कलर ही फ्लोरोसेंस कलर है। और देखिए छोटे छोटे जो बैक्टीरिया दिख रहे हैं इसमें, और जब ये एक साथ जुड़ गए, ये खरबों में है, ये आपके बैक्टीरिया इसमें खरबों में है, तो दिखाई दे रहा है।